लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको सीरियसली लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें पूरा मंत्री श्यामलाल शर्मा जी को उसमें नियुक्त किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हल इसका अभी तक जो है वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्रदीप जी, ये मामला जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर काफी संवेदनशील है। सियाड़ बाबा की हम बात करते हैं, 2019 में वहाँ पे धारा 144 वहाँ पे लागू हुई थी और आज तक है कुछ बाहर के श्रद्धालु भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ये मुद्दा जो है वो आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं आखिर रियासी एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे के ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? नमस्कार, जितने भी जगह आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथी हूँ प्रदीप शर्मा। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी मौजूद हैं। अजय नंदा जी से बात करेंगे क्योंकि इस समय पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं अजय नंदा जी भी लगातार इसको जो है वो रियासी ज़िले में देख रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी हैं। जी स्वागत है सबसे पहले तो। जी शुक्रिया प्रदीप जी। देखिए इलेक्शंस का ऐसे है कि प्रदीप जी, इलेक्शन तो किसी वक्त भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त जो है इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है। जब भी इलेक्शंस होंगी ये प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन जब भी इसको अनाउंस करता है तो हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हर टाइम तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरा रहा बूथ सशक्तिकरण अभियान जिसकी आप बात कर रहे हैं, बूथ सशक्तिकरण अभियान जो है ये पूरे देश भर में चलता है। इस बार हमारे प्रदेश में भी जो है इस टाइम बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हैं ये अल्पकालीन विस्तारक 10 दिन के लिए जो हैं ये निकले हुए हैं और 10 दिन तक ये हर जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के लिए काम करेगा, सुबह से लेकर 10 घंटे, 8 से 10 घंटे। और इस अभियान में जगह जगह जो है हम भी, जो रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं या कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो यहां भी पूरे तरीके से जो है ये अभियान चल रहा है, कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर बूथ पर जाकर जो है वो टीमें गठित हो रही हैं। तो मैं भी जो है अगर पौनी मंडल की बात करूँ या रियासी मंडल की बात करूँ जाम अपने अरनास मंडल की बात करें तो हमने भी जो है 10 दिन जिस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं ने दिए हैं, हमने भी 10 दिन जो है एज ए अल्पकालीन विस्तारक जो है वो 10 दिन का टाइम हमने दिया है और जगह जगह हमने बूथ पे जाके बूथ शक्तिकरण अभियान जो है वो चलाया है। तो ये एक पार्टी की अपनी प्रतिक्रिया है, पार्टी का ये अपने प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते रहते हैं बूथ पे जाके, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए क्योंकि बूथ ही जो है ये मेन जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो सबसे मजबूत, अगर बूथ आपका मजबूत है तो आप पूरे तरीके से मजबूत हैं। उसी को लेकर ये अभियान था जो पार्टी ने चलाया था और ये अभियान बड़े अच्छे तरीके से रियासी डिस्ट्रिक्ट में चलाया। अब ये अभियान जो है ये ख़त्म होने वाला है, थोड़े दिन इसको पार्टी ने बढ़ाया भी क्योंकि बीच में कुछ नवरात्राज आ गए थे, कुछ रमजान आ गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट ये अभियान अब लास्ट स्टेज पर है और कुछ दिन में ये अभियान जो है ख़त्म। इसके बाद और कई प्रोग्राम है, पार्टी का फाउंडेशन डे आने वाला है, इसके बाद समरसता दिवस 14 को बाबा साहब अम्बेडकर का, तो इस प्रकार के कार्यक्रम पार्टी के चलते रहते हैं। तो आपने बूथ की बात की है, बूथ आप जा रहे हैं बूथों में तो लोगों की समस्याएं भी होंगी, किस तरह से इसको आप देखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, अगर जम्मू कश्मीर की हम सियासत की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लंबा अरसा हो गया है इलेक्शन हुए, तो जो लोगों की डिमांड्स हैं आखिर वो किस तरह से फुलफिल होंगी? देखिए प्रदीप जी, डिमांड्स तो लोगों की रहती ही हैं, प्रॉब्लम्स भी रहती ही हैं। हम जा रहे हैं बूथ में जाके टीमों के साथ साथ जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देख रहे हैं, उनको भी जो है उनका भी हम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ भी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हों लेके या कोई और दीगर जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की सुन रहे हैं और उनको जो है सॉल्व कर रहे हैं। क्या लगता है, इलेक्शन की बात तो हम लगातार करते हैं, क्या इलेक्शन से पहले डेली वेजर का मुद्दा जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं?
देखिए डेली मेजर का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, आप जानते हैं ये पुरानी सरकारों ने उनके साथ किया था। पीछे जो हमारी भी कलूजन सरकार पीडीपी के साथ रही, उसमें भी हमने जो है इनका एक रोड मैप बनाने की कोशिश की थी, SRO 502 भी इनका बनाया था, लेकिन ज़्यादा देर सरकार नहीं चली। लेकिन इनका मुद्दा जो है वो हल होगा, ज़रूर होगा, ये हमारे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको सीरियसली लिया है। लेकिन इसमें जो लोगों की तादाद है 1,20,000 टोटल, ये डेली वेजर्स हों, कैजुअल सीपी वर्कर्स हों, जहाँ और जो नीड बेसिस पे लगे हैं कुछ इस तरीके के, टोटल इनकी संख्या जो है 1,20,000 है। लेकिन इनका एक बिल्कुल पॉलिसी बनाई जाएगी और एक तरीके से इनको जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कमेटी का गठन किया गया, पूरा मंत्री श्यामलाल शर्मा जी को उसमें नियुक्त किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हल इसका अभी तक जो है वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्रदीप जी, ये मामला जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर काफी संवेदनशील है, इसीलिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। लेकिन कमेटी देख रही है, 3-4-5 लोगों की कमेटी बनी हुई है, इसके लिए पूरा जो है वो वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसका किया जा सकता है। लेकिन इनका जरूर होगा जो भी। अंत में हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आप भी यहाँ पे राज्य मंत्री थे तो आपका भी काफ़ी फोकस जो था वो धार्मिक स्थानों की डेवलपमेंट को लेके, टूरिस्ट की आमद वहाँ पे हो, लेकिन इसी कड़ी में सियाड़ बाबा की हम बात करते हैं, 2019 में वहाँ पर धारा 144 वहाँ पे लागू हुई थी और आज तक है, कुछ बाहर के श्रद्धालु भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ये मुद्दा जो है वो आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं, आखिर रियासी एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे के ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, ये सियाड़ बाबा जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारा, और टूरिस्ट यहाँ आके बहुत अट्रैक्ट भी होता है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी वहाँ पे डिवेलप भी किया था, पैसा भी लगाया था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक्ट ऑफ गार्ड ही समझ लीजिए, 2-3 बार वहाँ पे ऐसा हुआ कि वॉश आउट हो गया सारा कुछ, जितना भी बना हुआ था सारा वो डैमेज हो गया फ्लड आने के कारण। तो उसके बाद एक बार पत्थर भी गिरे थे जिससे कोई डेथ्स भी हुई थी, उसके बाद थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे थोड़ा बैन लगा दिया और नहाना भी मना कर दिया, और उसके बाद जो है आज तक जो है पूरे तरीके से ये खुल नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी देर हो गई है, अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इसको किस तरीके से, जहाँ तो जाला लगाया जाए ऊपर, जैसे वैष्णो देवी ट्रैक में भी आपने देखा कि जहाँ से पत्थर गिरते थे, कंकर गिरते थे, वहाँ पे उन्होंने जाला लगाया है, जहाँ उसको कंक्रीट किया हुआ है। तो इस प्रकार की, इस तरह की चीज़ें देख के तो मुझे लगता है इसका जो है प्रिकॉशंस लेके, चाहे जाला लगा के चाहे उसको कंक्रीट करा के, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी देखे, एडमिनिस्ट्रेशन इसको टेकअप करे और जल्दी से जल्दी इसको दोबारा खोलना चाहिए और टूरिस्ट के लिए ये रिवाइव होना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जो स्पेशल टूरिस्ट जो हैं इसको देखने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको लेके कोई डीली है। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहूँगा कि इसको आप सीरियसली लें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है और इसके नहीं चलने से हमारे लोकल्स जो हैं, जो चाहे वो हमारे दुकानदार हैं या कोई आगे पीछे जो भी ट्रैवल एजेंसीज के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी, आज कुछ बड़े मुद्दों के ऊपर इनसे चर्चा हुई है, क्या इनका कहना है आपने भी सुना, कैसी रही हमारी आज की मुलाकात, आप अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं, और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं।